हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिए हैं 4 बड़े साइज के प्याज, जिनको मैंने बारीक से चॉप कर लिया है। हमने लिया है एक पैन, इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, जो मैंने बारीक बारीक चॉप किया था। यहाँ पर हमने 6 कलियाँ लहसुन की ली है। लहसुन से जो है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसी में भी आप डालें। अब हल्का सा हमारे लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1/2 चम्मच साबुत जीरा। ये हमने लिया है साबुत धनिया, जिसको मैंने 2 पीसेस में दरदरा कर दिया है, तो उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो साबुत जो मसाले होते हैं वो बहुत ही एक अलग सा अपना फ्लेवर देते हैं खाने में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे लहसुन का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने प्याज। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अगर आप तीखा खाते हो तो इसको ऐड करें, नहीं तो इसको स्किप करें। और फ्रेंड्स, हमने इसको जब 1 से 2 मिनट चलाया तो इससे इसका कच्चापन जो है दूर हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं, वही हमारे रेगुलर मसाले जो आप यूज करते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा इसमें, हल्दी पाउडर, 1 कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, ये हमारे जीरे का पाउडर, धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स, अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने मसाले ऐड करने के बाद इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट तक चला लेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो पक जाए, कच्चे ना रहें। सो फ्रेंड्स, हमारी जो स्टफिंग है प्याज वाली वो बनके रेडी है। अब हम इसमें ऊपर से कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे हम। अब जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है, तब तक हम क्या करेंगे, आटा लगा लेते हैं। चलिए, सो फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ जो है हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सूजी, उसमें खस्तापन आएगा, बिल्कुल करारी। अब हम इसमें पानी डाल के एक टाइट डो गूंद लेंगे, क्योंकि हमें कचौड़ियों के लिए टाइट डो ही चाहिए। मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, तो आप इसकी जगह मैदे का आटा भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा डो भी रेडी है। देखिए, हमें इसी तरह का डो चाहिए था। अब फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब हम फ्रेंड्स हमारे आटे में से एक लोई ले लेंगे। तो आप जितनी भी छोटी साइज की बनाना चाहते हो उतनी ले ली, और ये देखिए मैं इतनी साइज की बना रही हूँ। तो हम इसको दोनों फिंगर से, हम इसमें बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं लगाएंगे, दोनों फिंगर से हम इसको इस तरह से फैला लेंगे। 1 चम्मच इसमें स्टफिंग भरेंगे हम। देखिए, आप करेक्ट मेजरमेंट से भरेंगे तो आपकी कचौड़ियाँ जो है सब एक ही साइज की होंगी। अब हम इसको ऐसे, सो फ्रेंड्स, हमारी 1 कचौरी बनके रेडी है। हम इसको थोड़ा सा साइड से दबा लेंगे हल्के हाथों से। तो देखिए, 1 कचौड़ी हमारी बिल्कुल बनके रेडी है। ऐसे ही हम सभी को बना लेंगे। एक मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो ऐसे हम स्टफ, ऐसे एक लोई लेंगे और इसको ऐसे दोनों हाथों से अच्छे से फैला लेंगे। हम हमारी स्टफिंग रखेंगे और इसे जैसे आप ये देखिए ऐसे हथेलियों से ऐसे दबा लेंगे अच्छे से, देखिए, और इसे हम ऐसे। सो फ्रेंड्स, हमारी दूसरी भी कचौड़ी बनके रेडी है। ऐसे ही हम सभी को बना लेंगे। अब हमारी कचौड़ियों के लिए तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कचौड़ियाँ। फ्रेंड्स, हम इनको अच्छे से आगे और पीछे से उलटते पलटते क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इन्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। देखिए, हमारे ये बिल्कुल क्रिस्पी और ये बिल्कुल फुली फुली
हमारी कचौरी तैयार हो रही है, एक साइड से बन चुके हैं तो हम इनको दूसरे साइड भी अच्छे से देखें कितने अच्छे से फूल रहे हैं। ये फूली फूल कचौड़ियाँ जो है हमारी बन चुकी है, ये देखिए एक बार में जो है हमने 4 कचौड़ियाँ तल ली। सो फ्रेंड्स, इन कचौड़ियों को बनने में थोड़ा पूरियों से ज़्यादा टाइम लगता है तो पेशेंस रखें। तो मेरे आज की कचौड़ियों की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। सो अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हमने एक बार बना ली, अभी दूसरी बार डालते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी सभी कचौड़ियाँ फ्राई होके रेडी हैं तो अब हम इन सब की प्लेटिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी कचौड़ियों की प्लेटिंग हो चुकी है तो अब हम इसको सर्व करेंगे दही के साथ। आप इसको जिसके भी साथ खाना चाहें खा सकते हैं। सो मैं अब आपको कचौड़ी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी खस्ता बनी है हमारी कचौड़ियाँ, बिल्कुल फूली फूली हमारी कचौड़ी, खस्ता और कहीं से कच्ची नहीं। सो फ्रेंड्स, इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और खाएं और खिलाएं। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।